बटरफ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वॉर। हम लोग पहुंच गए थे वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पे। फिर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि कैसे पोस्ट वॉर रिकवरी ब्रिटेन ने करने की कोशिश की, प्रोडक्शन कैसे अमेरिका में बढ़ा, फिर कंजम्पशन बढ़ा और अमेरिका बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए बिगेस्ट क्रेडिटर, जिसने लोन्स दिए ना सिर्फ अपनी पब्लिक को बल्कि दुनिया भर यानी कि पूरे यूरोप में उसने लोन्स दिए। अब एक बात सोचिए, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स कंटिन्यूअसली फॉलो किए हैं वो एकदम कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इस बात से कि अगर एक कंट्री पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ, जैसे कि अमेरिका यूएस पर हम इस वक्त इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, सारी कंट्रीज ने लोन ले रखा है, सब लोग उसके भरोसे आज पे बैठे हैं कि हाँ भाई कभी भी जरूरत होगी तो यूएस से ले लेंगे, ठीक है। तो वो लोग अपना कोई दूसरा इस तरीके से इंतजाम ही नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यूएस लोन दे देगा, प्लस यूएस जो है वो लोन दे भी रहा है, क्रेडिटर बन गया है। अब क्या होगा अगर यूएस की खुद की कंट्री में खुद की जो हालत है वो खराब हो जाए, तो बाकी देशों का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू देम? उनके साथ क्या उनकी क्या उम्मीदें होंगी और किस तरीके से उनकी उम्मीदों पे पानी फिरेगा? आप ये सोचो, एक बैंक था जिससे आपको उम्मीद थी कि कल आप लोन ले लोगे, ठीक है, और वो बैंक आज बंद हो जाता है, ठीक है। कल आप एक बहुत बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे और आज वो बैंक अचानक से बंद हो गया, अब आपकी यह हालत होगी, आपका तो वो तो डूबा ही डूबा और आप भी डूब गए। यही हाल आज होने वाला है, बिकॉज आज आने वाला है इस लेक्चर में ग्रेट डिप्रेशन, जो कि अमेरिका में आएगा और अमेरिका की वजह से पूरे यूरोप में छाने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद दैट ग्रेट डिप्रेशन। देखो बच्चों, ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ 1929 में और ये 1930s तक रहा, ठीक है, मतलब तकरीबन पूरे साल का लोगों ने एक डिप्रेशन का ईयर देखा। जब डिप्रेशन आया तो क्या क्या चीजें खराब होती हैं? प्रोडक्शन खराब होता है इंडस्ट्रीज का, एम्प्लॉयमेंट लोगों की जाती है, लोगों की इनकम नीचे आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आता है और व्यापार खराब होता है। वही सब यहाँ पर भी हुआ। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अब यानी कि शुरू कैसे हुआ, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा अमेरिका कैसे डिप्रेशन में आ गया। हुआ ये कि ये आप लोगों ने लेक्चर्स में काफी पहले पढ़ा हुआ है कि ये लोग क्या कर रहे थे जिस टाइम वॉर चल रहा था। सारे लोगों ने वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया था, उसमें कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका टॉप लेवल पर था, मतलब जमीने की जमीने, फार्म्स की फार्म्स खाली कर रहे थे ये लोग कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन रखेंगे, खूब वीट ग्रो करो, बहुत ज्यादा वीट उगाओ और ब्रिटेन में पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ उधर पहुंचाओ, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट के मसले से कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आ गया बच्चों कि मार्केट में इतना वीट हो गया, क्योंकि वीट ब्रिटेन के अपने लोग भी उगा रहे थे, अमेरिका के लोग भी उगा रहे थे, या जहां जहां पर भी ये लोग वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे भाई, वहां के अपने भी तो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि इतना ज्यादा वीट उग गया, मतलब मार्केट में इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो गई वीट की कि वो वीट फार्मर्स का बिचना ही बंद हो गया। एक तो प्राइस बहुत नीचे आ गया, बहुत सस्ते दाम हो गए। जब चीज ज्यादा हो जाती है ना और उसकी डिमांड कम हो जाती है और चीज बहुत है मार्केट में, एकदम पड़ी हुई है, तो आपको फ्री के भाव भी मिल जाएगी कि बस ले जाओ। लेकिन इतना था कि बहुत ज्यादा वीट तो फार्मर्स का सड़ने लगा, पड़े पड़े सड़ गया, कोई खरीदने वाला नहीं था और प्राइस डाउन। तो आपने एक उम्मीद से प्रोडक्शन किया था कि मुझे खूब मुनाफा होगा, आपने सारा अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, खूब वीट उगवाई अपने लोगों से और अचानक से प्राइस फॉल। कितना लाखों का जो फार्मर था वो बर्बाद हो गया इस वजह से, और इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। सो लेट्स सी, ओवर प्रोडक्शन सबसे बड़ा इनके पास तीन वजह थी स्टूडेंट्स, दो बड़ी हैं, पहली ये है जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया और दूसरी ये है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, पूरे यूरोप में एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो प्रोडक्शन में लग गई और खूब प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से प्राइस फॉल हो गए, इतने फॉल हो गए कि फार्मर्स ने जो भी प्रोड्यूस किया वो रॉट हो गया, सड़ गया, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं था। दूसरी बड़ी वजह, लोन्स फ्रॉम यूएस। जितने लोगों ने लोन्स ले रखे थे ना यूएस से, यूएस एक टाइम पर $1 बिलियन के लोन्स दे रहा था और आज उसने, क्योंकि प्रोडक्शन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से फार्मर्स भाई क्राइसिस में आ गए, तो जब क्राइसिस में आ गए तो लोन डेफिनेट सी बात है, इकोनॉमी नीचे आ गई, इकोनॉमी नीचे आ जाएगी तो लोन कैसे मिलेगा लोगों को, वो लोन क्वार्टर तक नीचे आ गया, मतलब 1/4 लोन दे रहे थे जो कि पहले 1 दे रहे थे। तो अब कंट्रीज जो इन पर डिपेंडेंट थी उन्होंने भी क्राइसिस फेस किया, यानी कि अब डिप्रेशन उनके यहां भी पहुंचा।
बैंक्स फेल हो गए। बैंक्स क्यों फेल हो गए? क्योंकि अब वो लोन ही नहीं दे पा रहे हैं। भाई लोन देने से ही तो चलता है बैंक। ये कैसे चलता है? एक्टिविटीज ऑफ बैंक इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर मनी एंड क्रेडिट चैनल पर अपडेटेड है, प्लेलिस्ट में जाइए इकोनॉमिक्स की, वहां से देखकर आइए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि बैंक लोन ना देने की वजह से कैसे क्राइसिस में आ जाता है, तो जब बैंक लोन नहीं दे पा रहा तो बैंक चलेगा कैसे? बैंक बंद हो गए, करेंसी नीचे आ गई, करेंसी की वैल्यू एकदम कोलैप्स हो गई। और जब आपकी करेंसी, आपके देश की करेंसी का मतलब पैसे की वैल्यू गिर जाती है ना, तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो आप ले रहे हो सामान उसको और पैसा देके लेना पड़ेगा, मतलब बदहाली आने वाली है, समझ लो। तो दो बड़ी वजह जिसकी वजह से मैं स्टार बना रही हूँ, भाई ग्रेट डिप्रेशन पूरे यूरोप ने फेस किया, ये इन वजह की वजह से, इन चीजों की वजह से। उसके अलावा ही देखो, अब यूएस क्या करेगा? यूएस खुद को, अपनी पब्लिक को तो बचाएगा ना। यूएस ने जो इम्पोर्ट था, यानी कि जो बाहर से आ रहा था, एक्सपोर्ट तो खराब हो गया उसका ओवर प्रोडक्शन की वजह से, प्लस उसका लोन का सिस्टम खत्म हो गया। अब वो बचा रहा है अपनी पब्लिक को, तो उसने इम्पोर्ट पर टैक्स डबल कर दिया। इम्पोर्ट पर टैक्स डबल हो जाएगा, यानी कि बाहर की कंट्रीज का भी लेन देन बंद। अब उनको डबल, उनको भी नुकसान और इनको तो है ही नुकसान, ठीक है। अब यूएस ने अपने जो डोमेस्टिक लेंडिंग थी, यानी कि जो अपने लोगों को वो उधार दे रहा था, अपनी पब्लिक को जो उधार बांट रहा था, फ्रिज रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कार पर, वो बंद हो गया। और यूएस के बैक लोन्स भी बंद हो गए। बैक लोन्स ये तरीका है ईएमआई पर देना, ये भी बंद हो गया, ठीक है। जितना भी सपोर्ट था अपनी पब्लिक को बाहर, वो सब बंद। अब क्या होगा? जिन लोगों ने, अब पीछे जाओ एक लेक्चर, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाया उनको दिक्कत होने वाली है। पिछले लेक्चर में लोगों ने फ्रिज वॉशिंग मशीन टीवी कार ये सब उधार पे, ईएमआई पे खरीदा था, क्रेडिट पे, इवन घर भी ले लिया था कि ये सामान रखेंगे उसमें, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, सब लोन पर लिया हुआ था। अब तो लोन के ही लाले पड़ गए, यानी कि अब देखो, जब एग्रीकल्चर गया तो लोगों का काम गया तो पैसा गया तो रेंट कहां से पे करोगे, ईएमआई कहां से पे करोगे, इन्वेस्टमेंट्स कहां से दोगे, वो सब गया। तो अब हालत ये हो गई थी कि उन लोगों ने जिन्होंने उधार ले रखा था, उनको अपना घर बेचकर सड़क पे आना पड़ रहा था, कहां से दे रहे, नहीं दे सकते। तो पीपल वर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स एंड गैजेट्स। गैजेट्स में आप सब समझ लेना जो भी उन्होंने कीमती सामान ले रखा, ठीक। नाउ बाय 1933 तक, यानी कि 30 के बाद की सिचुएशन की बात कर रही हूं मैं, 1933 तक 4000 यूएस के बैंक्स बंद हो चुके थे। यूएस ने इतने बैंक खोल रखे थे लोन के चक्कर में, सब बंद हो गए। 4000 बैंक बंद होना, आप आम समझ रहे हो, पूरी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई, बैंड बज गई, मतलब ठीक। 1929 से 32 के बीच में, क्योंकि बैंक लोन नहीं दे रहा तो कंपनी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम करती है, भाई हेनरी फोर्ड पैसा लगा रहे थे कार बनाने में, कहां से लगा रहे थे, गड़ा धोरी रखा है जमीन के नीचे, बैंक से लोन लिया होगा, खुद के पास करोड़ों रुपए तो होते नहीं है इंडस्ट्रीज चलाने वालों के पास, सब क्रेडिट लेते हैं। 4000 बैंक बंद हो गए, क्रेडिट कहां से आएगा कंपनी के पास, कहां से वो सैलरी देगी, कहां से वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स लाएगी। इस वजह से 11 ये आप देखो, चलो ये छोड़ो, 110,000 कंपनीज इंडस्ट्रीज बंद हो गई अमेरिका की, लोग सड़क पे आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट रोट भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग सड़क पे आ गए, दर बदर नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं से काम मिल जाए ताकि खाना खा पाए। पीपल ट्रैम्प लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वर्क, यानी कि माइग्रेशन बढ़ गया, लोग माइग्रेट करने को तैयार हैं, बस काम दे दो जिससे कि हम पैसा कमा पाए और खाना खा पाए। अब यही एक जो है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और ये हालत हो गई कि वो लोग जो लग्जरी सोचने लग रहे थे, ईएमआई पर सामान ले रहे थे, अब उन्होंने घर बेच दिए हैं। तो ये असर देखो, एक कंट्री पर जब डिपेंडेंसी है, मैंने आपको जाते जाते समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, जब एक कंट्री पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना, तो वो दिक्कत के कारण बनता है, ठीक है। आप ये समझो, एक फैमिली, पूरी फैमिली एक फादर पर टिकी होती है। सपोज अगर फादर की फाइनेंशियल हालत डाउन हो जाए, तो पूरी फैमिली की फाइनेंशियल हालत डाउन हो जाती है। सेम कंट्री था, फादर बना हुआ था अमेरिका, पूरे यूरोप का, फादर की इनकम डिक्लाइन हो गई। अब फादर की इनकम डिक्लाइन हो गई तो फादर तो गए गए भाई, जो लोग उन पर डिपेंडेंट थे सब गए, समझ में आ रहा है। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम रही हो इस पूरे एजेंडा में, आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो प्लीज पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछे। लाइव सेशंस होते हैं चैप्टर्स के बाद, अब तक 3-4 लाइव सेशंस हो चुके हैं,
पार्टिसिपेट करिए, वहां पे कोई दिक्कत है वहां पे पूछिए, बट कीप आस्किंग, कीप सॉल्विंग योर क्वेरीज. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट डिप्रेशन का असर इंडिया पर कैसे हुआ, ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया. स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी. बाय बाय फॉर द डे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेगा. ओके.